वालेकुम आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपना बाइनंस का अकाउंट बनाते हैं वेरीफाई करते हैं और पूरा अकाउंट पाँच से सात मिनट के अंदर अपना सेटअप करते हैं और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड एक ऐसी ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ उस ट्रिक के साथ आप लोग बगैर कोई क्वाइन खरीदे बैर कोई कॉइन ख़रीदे डेली के 10 से लेके 15 डॉलर तक बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं और मैं खुद भी ये यूज़ कर रहा हूँ मैं ख़ुद भी अपना पोर्टफोलियो में वो वो चीज आप लोगों को दिखाऊंगा शो करवाऊंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं लेकिन पहले जो हमारा मेन पॉइंट है वो है अकाउंट बनाने का तरीका फिर है अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीका उसके बाद तीसरे नंबर पे वो मेथड वो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो वीडियो को लाइक कर दें फर्स्ट टाइम चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लास्ट में से ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचती रहे तो अब आप लोगों ने करना क्या है सिंपली इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा उस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से आप लोगों के सामने स्क्रीन आ जाएगी यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है ठीक है जैसे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी उसके ऊपर आप लोगों ने प्रेस करना है तो जो अब आप लोगों ने ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा ओ टीपी वन टाइम पासवर्ड ठीक है वो वाला कोड वापस आप लोगों ने यहाँ पे आके लिखना है और पेस्ट करना है लिखने के बाद सिंपली नेक्स्ट यहाँ पे अब आप लोगों ने सिंपल अपना एक पासवर्ड देना है पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर छोटा करेक्टर uh, भी हो बड़ा करेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो ठीक है तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों ने दे देना है ईमेल पासवर्ड ये दोनों आप लोगों ने अपने जहन नशीन कर लेने हैं कभी भूलने नहीं हैं ठीक है अभी भी आप लोगों को दोबारा इस्तेमाल आने वाले हैं इसके बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो अब यहां पर आप लोगों को कह रहा है जनाबे वाला अब आप लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी आप लोगों के पास एंड्रॉयड है या आईफोन है नो no प्रॉब्लम आप लोगों ने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और प्ले स्टोर पे सर्च करना है बाइना इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी मेरे सामने तो अपडेट की ऑप्शन आ रही है आप लोगों के सामने इंस्टॉल इसको आप लोगों ने कर लेना है इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे अब आप लोगों के सामने दोबारा से ऑप्शन आएगी अकाउंट बनाने का या लॉग का नीचे जो लॉग का दिया हुआ है ना कि लॉग करें लॉग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपना ई पासवर्ड याद रखना है वही ई पासवर्ड दे आप लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर लॉग हो जाना है तो यहां पे देखे ऊपर ही मेन आप लोगों को नजर आ रहा है वेरीफाई नाउ इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है जी, तो आप पे कंट्री बताएं तो ऊपर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे हमारी क्या है जाहिर सी बात है पाकिस्तान है ऊपर से आप लोग सिलेक्ट कर लें तो नेशनैलिटी मैंने ऊपर से पाकिस्तान सेट कर ली अब यहां पर आपका लीगल नेम पहला नाम मिडल नेम और लास्ट नेम मिडल नेम नहीं है नो प्रॉब्लम फर्स्ट और लास्ट नेम आप लोगों ने यहां पे लाजमी देना है उसके बाद नीचे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ पहले डब्बे के अंदर आप लोगों ने अपना ईयर फिर मंथ फिर डेट ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद करना है कॉन्टिन्यू पे क्लिक अब यहाँ पे आप लोगों से वो फुल एड्रेस मांग रहा है जो आपके शिनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप लोगों ने दे देना है ठीक है एड्रेस जो आपके कार्ड पे लिखा हुआ है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा पोस्टल कोड हर शहर का पोस्टल कोड अलहदा होता है आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के शहर का पोस्टल कोड क्या है नो no प्रॉब्लम सीधा आप लोगों ने चले जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके अपने शहर का नाम लिखना है और उसके आगे लिख देना है पोस्टल कोड जैसे मैं रावलपिंडी का पोस्टल कोड इस तरीके से निकाल रहा हूँ और वो पोस्टल कोड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वापस आना है आप लोगों ने अपने बाइनास में और यहाँ पे पेस्ट करके नीचे अपने शहर का नाम लिखना है और सिंपली आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यहाँ पे ठीक है या आप लोगों के पास इंग्लिश का आई कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो तो इंग्लिश का आईडी कार्ड है हमारे पास हम इंग्लिश का आईडी कार्ड इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश वाला जो स्मार्ट कार्ड होता है ठीक है इस पे हमने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का कैमरा ओपन कर देगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड सामने रख के अपने आईडी कार्ड के फ्रंट की पिक्चर लेनी है तो अभी आप लोग फ्रंट की तस्वीर ले लेंगे ठीक है फ्रंट की पिक्चर लेने के बाद ऐसे उसकी इमेज क्वालिटी चेक करेगा इमेज की क्वालिटी जैसे चेक होगी उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आपके आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर लेगा ठीक है दोबारा से कैमरा ओपन हुआ अब आपके आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर ये इसकी भी इमेज की क्वालिटी चेक करेगा और कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे ये देखें ठीक है ये बैक साइड भी कंफर्म हो गई तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग खत्म बस ठीक है एक छोटा सा काम रह गया आप लोगों ने एक सेल्फी लेनी होगी और जो ये आपको हरकत कहेगा वो हरकत करनी होगी लाइक ये आप लोगों को कह सकते हैं अपना सर हिलाओ अपना सर ऐसे करो या अपना मुंह खोलो या अपनी आइज़ को ब्लिंक करो तो वो काम आप लोगों ने करना होगा एक सेल्फी लेनी होगी ना आपके सर पे टोपी हो ना आपने एन के पहनी हो ना कोई मुंह लपेटा हो मास्क वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए ठीक है बिल्कुल सीधे आप लोगों ने क्लियर बैठना है और नीचे आप लोगों को बैगैन वेरीफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बैगैन वेरीफिकेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है ये इस तरह का ये मुझे कह रहा है कि मुँह खोलो और बंद करो सर ऊपर नीचे करो राइट लेफ्ट करो तो ये देखें जी मेरी वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट इतना सा काम है और इतना सा प्रोसेस है पाँच मिनट के अंदर अंदर आप लोगों की बायनास की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है जी तो आप लोगों की बायनास की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई अब बात आ जाती है वो जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग विदाउट को कोई भी कॉइन खरीदे आप लोग अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो आप उस पॉइंट की तरफ चलते हैं अच्छा इस प्रोसेस के लिए कि इन माइंड जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना चाहते हैं बायनास को उनके लिए ये चीज बेस्ट है उनको ट्रेडिंग नहीं आती है जस्ट वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कहते हैं यार हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे और उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिलता रहे लेकिन यह फिक्स प्रॉफिट नहीं होता मतलब कि शरा लिहाज से आई थिंक ये फिक्स प्रॉफिट जो होता है वो जायज़ नहीं होता ये फ्लैक्सीबल प्रॉफिट होता है कैसे होता है यहाँ पर अर्न सेक्शन के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर खैर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है मैंने तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर यहाँ पर मैंने अर्न uh, सेक्शन के अंदर स्टेक किए हुए हैं और ये है फ्लेक्सिबल कीप इन माइंड ये फ्लेक्सिबल है ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को इसके नीचे फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है तो डेली बेसिस के ऊपर ऊपर आप लोग देखें तो लास्ट डे पी एन एल अलेवन डॉलर मुझे मिले और थर्टी डेज के अंदर कितने मिल चुके हैं वन सिक्सटी फोर डॉलर मिल चुके हैं अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती अगर आप लोग जस्ट इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना चाह रहे हैं तो सबसे आसान तरीका ये है के अपने जितने भी आपके पास डॉलर्स पड़े हैं वो आप लोग यहाँ पे ये यह देखें ऊपर अर्न सेक्शन के अंदर आप लोग आ जाएं यहाँ पे अर्न पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे ये यह आप लोगों को बता देगा कि भाई किस किस के अंदर आप लोग अपना स्टेक कर सकते हैं लेकिन वो फ्लेक्सीबल होगा एक रेंज होगी उस परसेंटेज से लेके उस परसेंटेज तक ऊपर नीचे होता रहता है कभी कम भी मिलते हैं कभी ज़्यादा भी मिलते हैं ठीक है लेकिन लॉस वाला कोई चक्कर नहीं होता तो अब ये देखें ये 26 परसेंट तक ये कह रहा है कि आप लोगों को आ, मिल सकता है तो इसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो जितनी भी अमाउंट आपके पास पड़ी है फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी तक स्पॉट वैलेट में 206 डॉलर और पड़े हैं इसको मैं लगाता हूं तो यहां पे ये नीचे देखें तो मुझे क्या कह रहा है कि डेली एस्टिमेटेड रिवॉर्ड सबसे नीचे देखें ग्रीन कलर में तेरह डॉलर बन रहे हैं ऊपर वाले भी मिला के और ये वाले भी मिला के वो पहले वाले पच्चीस भी मिला के और ये भी मिला के तो तकरीबन पच्चीस का मतलब क्या हो गया पचहत्तर लाख रुपया ऐसे ही है और तेरह डॉलर का या पंद्रह डॉलर एस्टिमेट कर लें इसका क्या हो गया इसका मतलब हो गया पैंतालीस सौ रुपया डेली का पैंतालीस सौ रुपया डेली का मतलब महीने का कितना हो गया डेढ़ लाख रुपया तकरीबन एक लाख तीस हज़ार रुपये हो गया तो इस तरह जो सेफ़ चलना चाह रहे हैं बिल्कुल सेफ़ वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अला हाफ़ पाकिस्तान फाइंदाबाद